हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। रविवार को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। इस कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों को भी जगह मिली है और उन्हें मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ पिछले साल राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने में सबसे बड़ा था। वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया है। ये दोनों नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और राज्य मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार अपने कैबिनेट का विस्तार किया। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को इससे पहले भी मंत्री बनाया गया था। बता दें, पिछले साल अप्रैल में मंत्रिमंडल विस्तार करते समय इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इन्हें ये पद इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि ये दोनों नेता राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कोरोना महामारी की वजह से उपचुनाव में देरी भी हुई थी। बता दें, प्रावधान के अनुसार गैर विधायकों को अगर कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर राज्य की विधानसभा के लिए चुना जाना है। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार का इससे पहले 2 जुलाई को विस्तार हुआ था। इसमें 28 मंत्रियों को शामिल किया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर इसमें भी पूरी तरीके से साफ देखने को मिला था। इस कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई वफादारों को शामिल किया गया था। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का पहला विस्तार पिछले साल 21 अप्रैल को किया गया था। इस विस्तार में तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत समेत 5 मंत्रियों को शामिल किया गया था। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उपचुनावों के दौरान बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं इन चुनावों में सिलावट ने सामर्थ से गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी से जीत हासिल की थी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।